सोशल हम आए हुए हैं सोशल वसन को, तो हम आपको इसका रिव्यू देंगे। अभी हम यहाँ का रिव्यू आपको देंगे कि खाना कैसा है यहाँ का और कैसे प्राइस है। एक बार पहले भी आ चुके हैं और हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं इधर की, तो देखना आप कैसा है यहाँ का और एमबीएस में दिखाती हूँ कैसा है यहाँ का। ओवरऑल आपको कैसा लगता है ये वसन, कैसा एक्सपीरियंस था? अभी डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर करेंगे, लेट्स सी कैसा होता है एक्सपीरियंस, है ना। इतनी मेहनत से बुकिंग करी जा रही है, हाँ यहाँ होगा ना, पीछे की तरफ ना टाइम लग गया मेनू देखते हुए ना अभिषेक बात हमने कौन सा वाला खाया था, मिक्स सॉस है ना, लेट्स ट्राई करते हैं। मीठा कहाँ है, ऐसी मिक्स है, रेड बहुत हो जाता है। भूखे लग गया देखो हमेशा, चाइनीज प्लेटर। कौन कौन से मोमोज हैं, एनी आइडिया, डिफरेंट काइंड ऑफ मोमोज? ये बस समझ आ रहा है, ये दो समझ आ रहा है मुझे। हाँ ये तंदूरी है, ये हेल वाला, हेल वाले ये तंदूरी होंगे आई थिंक, ये तो नॉर्मल है, ये तंदूरी है, वो है मलाई, मलाई चाप वाले मोमोज। और ये इनकी मोस्ट फेमस भेल है ना, चाइनीज भेल, जो कि बहुत अच्छी लगी, वी विल ट्राई कि कैसी लगती है। कौन सा मोमोज अच्छा लगा सबसे ज्यादा? लगा स्पाइसी हेल ये वाला, हाँ। और सबसे बेस्ट वही था, और कौन सा इसके बाद सेकंड वाला? तंदूरी मोमोज ये वाला जो छूटा हुआ है अभी, ये तो मलाई वाला है, मलाई मलाई वाला इतना अच्छा नहीं था ना। मुझे सबसे बढ़िया स्पाइसी वाला फ्लेवर था, स्पाइसी वाले में थोड़े फ्लेवर तो आ रहे थे पर और सब में ना इतना फ्लेवर मैच नहीं हुए है ना, तो वो ठीक था पर बहुत स्पाइसी लगा मुझे, मतलब लाइक आप लोगों को शायद ना भी लगे पर मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती, वो था। वैसे बाहर बहुत ज़्यादा स्पाइसी मोमो होते हैं ना, ऐसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं देते हैं ना, स्पाइसी है बाहर के बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, पर स्पाइसी वाले जो मोमोज हैं ना, मतलब ये वाला बात इसमें ज़्यादा था, स्पाइसी था ये बहुत ज़्यादा, ये इसका फ्लेवर अच्छे थे। उसके अलावा और सब नॉर्मल नॉर्मल थे, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया उसमें, कुछ मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगा है ना। बस हाँ ये पास्ता सही था पर बहुत ज़्यादा इनफ हो गया, हम लोग सोच रहे थे कि हमारा नहीं पेट भर पाएगा, हमारा लग गया था कि हमारा पेट भर जाएगा और भर भी गया और बच भी गया आधा खाना हमारा, है ना। आप मेरे को तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सोशल का अच्छा लगा है, मैं कोई स्टार नहीं, मतलब सब बेस्ट अच्छा था। आपको अच्छा लगा ना? सेकेंड टाइम आए थे, इससे पहले कुछ ट्राई किया था हमने, क्या ट्राई किया था उससे पहले? चाइनीज ट्राई किया था, चाउमिन वाउमिन तो वो चीज़ कुछ खास नहीं है, खास का आए वो थी चाउमिन खाई थी हमने। और हाँ इनकी मोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा और फ्लेवर वाला सबसे अच्छा, अगर आप फूड देख खाना चाहोगे, अगर आपको कुछ भी मिलता है ना, तो यहाँ पे मोमोज भी इतने टेस्टी नहीं थे, मतलब एक मोमोज अच्छा था स्पाइसी वाला, पर भेल जो होती है ना चाइनीज भेल वो बहुत अच्छी है, वो हमने पूरी ख़त्म कर दी शुरू में ही। देखो भी छकते ना चाइनीज भेल, हाँ कुछ अलग फ्लेवर बहुत लाइट, है लाइट भी पर फ्लेवर अच्छे मिल रहे हैं एकदम, वही तो चाहिए होता है। तो अब हम निकलने वाले हैं और टोटल हमारा कितना आया होगा आप ये बता सकते हो कमेंट में बताओ, और बहुत अफोर्डेबल है मैं आपको बताती हूँ आपके बाद में ही कितना आया होगा। हाँ और दो लोगों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और आइटम भी आपने देखे हैं क्योंकि काफ़ी मंगवा लिए हैं आपसे, हम निकलने वाले हैं यहाँ से। और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, ये वसंत कुंज वाले सोशल में हैं हम, चलो ऊपर का एम्बियंस दिखाते हैं आपको कैसा है। तुम्हें ना दिख रहा है? हाँ सर, काफ़ी दूर है, दूरी होगा आपको दिख रहा है कुतुब मीनार, आप वीडियो में ज़्यादा अच्छा आएगा ही नहीं, कितने अच्छे पार्क लग रहे हैं यहाँ से देखिए, पूरा वाइट 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 पूरा ग्रीन 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 अच्छी लगती है वो देखना, पूरी वाइट
आज भी एसी की बिल्डिंग नहीं है। वो कौन सी है? सर सेंटर है वहाँ दिल्ली। चलते हैं देखने ऊपर का, देखते हैं ऊपर का। पर आते होंगे यहाँ लोग, अरेंजमेंट तो अच्छा है बैठने बैठने का। ये है ऊपर का अरेंजमेंट। सोशल ऊपर का, आई थिंक ये रात को ना मस्त लगता होगा एकदम। ये देख ऊपर ये जो लगा रखी है ना, सुन रहे हैं? रात को अच्छा लगता होगा ये बहुत। देखना ऊपर ये जो लाइटें लगा रखी है ना, और रात को एकदम जगमगा जाता होगा। गाने बजते होंगे। हाँ रात को यहाँ पे वो भी लगा रखे हैं गाने वाने के। यहाँ आती होगी वाइब अच्छी। चलते हैं बस, अब यही दिखाने आए थे। लेट्स गो। तो हम हैं आईटी एम्प्लॉई मजदूर, तो मजदूरों की लाइफ हमको पता ही है कैसी होती है। तो वीकेंड मिल जाता है तो थोड़ा बहुत घूम लिया, ठीक है चले गए कहीं। नहीं तो हमारी जिंदगी में कोई वीकेंड भी चाहे तो ना ऑपरेंट वाले वो भी छीन लें। तो मतलब लाइक मुझे ये समझ नहीं आता, मैं बस जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अपने बस रेज कर रही हूँ कि आजकल मतलब ऐसा हो गया हर जगह कि लोग ओवर वर्क करें, ज़्यादा टाइम से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करा जाता है, अप्रिशिएट करा जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। पर आप टाइम पे काम करोगे, आप डेडिकेटेड हो तो इतना अप्रिशिएट नहीं। पर ये सब चीज़ें आजकल बहुत हो गई हैं। तुझे क्या लगता है, ये तुझे दिखता है? हाँ मुझे दिखता है। बाय बाय सोशल। देखो बाहर से देखो अब इसकी थीम। पहले तो शुरू में पता है जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो हमें लगता था ये कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। हाँ और बाहर में जाके हमने पास से देखा, हमें पता चला कि भैया ये तो इसका थीम ही इन्होंने ऐसे बना रखा है। सो आप बताना, मतलब जो मैंने आपसे चीज़ पूछी कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहाँ जाता जा रहा है? लाइक मोट वर्ड मुझे जो लगा, लोग इम्प्रेस करना, ओवर वर्क, ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है कल्चर। हाँ तो अभी यहीं पे हम घूमेंगे, आपको दिखाएंगे। वैसे तो आपको यहीं का रिव्यू देना था, होप सो आप आपको ये बताते हैं हम कितना डिस्क्लोज करते हैं, कितना प्राइस आया था हमारा दोनों का। तू बता। 1550। अच्छा है, अच्छी जगह पर बैठ के इतने अच्छे एम्बियंस में आप खा रहे हो, इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फिटिंग भी अच्छी आ रही है, साइज़ भी अच्छा है। मुझे ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी स्टिल मैंने ले लिया, पता नहीं क्यों ले लिया, क्योंकि फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आ रही थी यार, क्योंकि बहुत कम सेलेक्टिव। बहन से तो पूछ ही लिया, वो तो ठीक है, पर बहुत सेलेक्टेड बहुत ही कम कपड़े होते हैं ना जिसकी फिटिंग ना बहुत अच्छी आ जाए ना, ले लेना चाहिए ऐसा लगा। लग रहा है पर आई थिंक नहीं है। बस हम दोनों ने ही वाइट कलर के सामान लिए हैं, वाइट कलर की टॉप लिया मैंने, कुर्ती ली, और अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने स्मार्ट बाजार से ली, ऑल दो वहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं था ना मिल जाएगा इतना अच्छा, सही रीजनेबल मिल गया, रीजनेबल था। हाँ प्राइस का ठीक है, पर यार बाहर से और भी सस्ता मिल सकता था, पर फिटिंग अच्छी, फिटिंग देख के मिल गया ना। हाँ और इसको भी वाइट का चाहिए था, वो भी मिल गया शॉपर स्टॉप से, जो कि ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता। ये तो लाइफस्टाइल ही बोलता रहता है ना, तो हमेशा कहीं से भी मिल जाए यार। हाँ कहीं से भी मिल जाए, बस पैसे हमेशा वॉलेट रेडी है मेरा। हाँ हमेशा कार्ड रेडी है मेरा, अंजलि की कृपा है। ऐसे भी लेवल वालों के लिए बस कोई कमी नहीं है, मतलब अंजलि की कृपा है हमारे पे, पैसा आते रहेंगे। इस मॉल में कितनी बार आ चुके हैं हम? हो गया 10-15 बार। माता 10-15 से मेरे को तो वही 7-8 बार हो गया, अब कितनी बार और आएंगे। पर यार अब पता नहीं कुछ मिलता तो नहीं है ना, दिल्ली में इतना कुछ देख लिया। देखो फोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कहाँ कहाँ जाएँ। गर्मी ऊपर से हो रही है तो मॉल ही आ जाते हैं। मॉल भी आपको काफ़ी दिखा चुके हैं, वीडियोस कितनी वीडियो बना रखी है मॉल में। अब सोचा थोड़ा बस हमारा अड्डा क्या करें गर्मी में। आप कमेंट करके बताओ यार कौन सी और अच्छी जगहें हैं जहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ देखने में अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग। ठीक है अब ये ब्लॉग हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।